चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाडियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग महेश बाबू जी 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 जय भीम नमो बुद्धाय। आइए सभी सम्मानित साथियों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। जय संविधान जय भारत। जय भीम जय संविधान। हम ये श्रमण संघ की ओर से जो पहल की गई है बहुत ही बेहतरीन की गई है। हम सभी आपस में एक दूसरे से जुड़ के रहेंगे, आगे जोड़ेंगे भी, तो एक अपने आप में एक मिसाल कायम हो जाएगी। आज तक किसी भी संगठन ने बिना पैसे के बिना चंदे के इस तरह की मुहिम नहीं चलाई थी। अब जो संगठन रजिस्टर्ड हैं उन्होंने इस तरह का वो देखते हैं कि भाई श्रमण संघ जोड़ रहा है बिना पैसे के बिना पर्ची के लोगों को एक दूसरे से चैन बनाने में लगा हुआ है, तो उनको खलबली मची हुई है। तो बोले यहाँ तो किसी भी सोसाइटी से जुड़ जाओ तो वो कहते हैं कि साहब मेंबर बनने के लिए आपको 1500 रुपये देने पड़ेंगे। तो इस तरह की बहुत सोसाइटियां चल रही हैं, मैं उनके नाम नहीं लेता पर्टिकुलरली। अभी भी करीब एक हफ्ते पहले मेरे पास मैसेज आया, मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में मेंबर था, बोला जी आप पे 1600 रुपये की पर्ची हो गई आपकी एक साल की। अब उसमें लोग दे भी रहे थे, मैंने कहा कि भाई ये संगठन किस तरह का है और पैसे का क्या करोगे। तो बोले कि भाई आगे चल के ना कोई किसी के संग घटना घटित होती है तो हम उसकी हेल्प करेंगे। मैंने कहा कैसे हेल्प करोगे। तो इस तरह का जो एक आपने मुहिम चला रखी है, क्योंकि भाई इससे हर आदमी जुड़ेगा भी और लोगों को जोड़ेगा भी, क्योंकि उनके पैसों के चक्कर में क्या होता है, ये चंदा और ये कलेक्शन होता है उसमें क्या होता है, संगठन टूट जाते हैं। वही 4-5 लोग कैशियर होते हैं, वही मतलब मोनोपोली होती है, ये संगठन चल नहीं पाते पैसों की वजह से, कुछ ना कुछ इस तरह का विवधान बीच में हो जाता है। तो ये आपने जो मुहिम चलाई है मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरा व्यक्तिगत मानना है बहुत ही बेहतरीन है। मैं सोनू मैडम है दिल्ली की, उन्होंने मुझे लिंक भेजा फेसबुक के जरिए, मैं उनसे जुड़ा और मैं लगातार कॉन्सेप्ट सुन भी रहा हूँ, सुधीर राज जी का भी और भी सम्मानित सदस्य हैं। मुझे बहुत बेहतरीन लगता है कि भाई संवैधानिक तरीके से लोगों को समझाते हैं कि भाई जुड़ो 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 और एक दूसरे को जोड़ो, तो ये मुहिम बहुत अच्छी कारगर साबित होगी आगे। इसके बहुत सारे फायदे हैं, हमने 2 अप्रैल का आंदोलन देखा, उसमें क्या हुआ, हमने कोई भी दंगा नहीं किया, कोई भी ऐसी घटना घटित नहीं हुई, लेकिन हम लोग यूनिटी होके संवैधानिक तरीके से हम रोड पर आ गए। तो उसमें सरकार ने वो वापस लेने पड़ा, तो इस तरह का वो हम जो आंदोलन था उसमें हम सफल भी हुए। तो ये जी मुहिम बहुत अच्छी है कि हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे, हमें करना कुछ नहीं है, लेकिन एक संवैधानिक तरीके से वो लोगों को देखेंगे कि भाई ये लोग तो इकट्ठे हैं, तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है सरकार पर। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो ये मुहिम चल रही है तो इसमें मैं मेरे जो दोस्त हैं उनको भी लिंक भेजता हूँ कि भाई जुड़ो, कॉन्सेप्ट सुनो, सुधीर राज जी का है और भी सदस्य हैं, सभी के विचार सुनो, इसमें लग कुछ नहीं रहा है और उसमें पैसा भी नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा है, और जब इससे जुड़ो तो सही और सुनो। तो यही मेरा, मैं भी आपसे जुड़ा हुआ हूँ, एक हफ्ते से सुन भी रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है कॉन्सेप्ट, तो इसलिए मुझे तो बहुत अच्छा लगा व्यक्तिगत तौर पर। औरों को भी मैं प्रेरित करता हूँ कि भाई जुड़ो जुड़ो जुड़ो, तो हमें तो ये अच्छा है कि हम जुड़ेंगे, जिद है हमें जोड़ने की, आपस में भी जुड़ेंगे सब मिलजुल कर। और मैडम से कई बार मेरी बात भी होती है, सोनू मैडम जी ने मुझे काफी प्रेरित किया, उनकी भी वीडियो मैंने देखी है, तो बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं वो श्रमण संघ के उसमें। तो मैडम का स्पेशली फोन आया, तो मैं तो डेली शाम को जुड़ता ही हूँ, तो मैं तो मैडम जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि भाई उन्होंने मुझे फोन कर कहा कि भाई जुड़ो, तो मैं जुड़ा, नहीं तो लिंक तो वैसे आता था। एक अंबेडकर ऑफिसर्स क्लब बना हुआ है हरियाणा का, नरवाल जी उसके एडमिन है, मेरे ख्याल में सुधीर जी परिहार साहब भी उसमें मेंबर हैं, वो उसमें डालते थे लिंक को, लेकिन
कभी हम जुड़े नहीं, लेकिन जब मैडम जी से बात हुई, मैडम जी ने हमको प्रेरित किया, उसके बाद हम जुड़े, तो ये बहुत अच्छा लगा। तो यही आपस में हम जुड़ते रहेंगे और सब संगठित होते रहेंगे, तो कुछ ना करें, संगठित होने में ही दूसरे पे काफी प्रभाव पड़ता है। आरएसएस है, आरएसएस एक ऐसी शाखा है, देखो वो करती कुछ नहीं है, केवल उन वो संगठित रहती है। संगठित रहने से क्या होता है, दूसरे पे काफी प्रभाव पड़ता है, तो वो अपने आप ही कोई उनसे कोई कुछ नहीं कहता। तो इसलिए हम भी कभी पूरा एक आज ग्रुप में जुड़ते हैं, करीब करीब 400 450 तक संख्या हो जाती है, कभी लाखों में भी हो जाएगी, हजारों में भी हो जाएगी। तो इसी तरह हम आपस में एक दूसरे से जुड़ते रहेंगे, लोगों को जोड़ते रहेंगे, और मैं इसलिए बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ सभी सम्मानित साधियों का, जो कॉन्सेप्ट देते हैं वो बहुत बेहतरीन है। और मैं मैडम जी को भी साधुवाद, और मैं दिल्ली में कार्यरत हूँ, मैं ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी में, वहाँ सीनियर टेक्निकल डायरेक्टर हूँ, उस पोस्ट पर हूँ। तो बहुत बहुत साधुवाद सभी सभी साथियों का, और मैडम जी का एक बार बहुत बहुत आभार व्यक्त। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भीम, बहुत बहुत साधुवाद सर। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं, और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए, या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए, या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए, या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए, या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए, या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे, या अपने हैंडल पे, या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Sangam Sarnam Gacchami.